हैं टू नंबर, क्या कह रहा है, इफ टू पाइप्स फंक्शंस सिमल्टेनियसली ए रिजर्वर विल बी फिल्ड इन 12 आवर, यानी कि अगर दो पाइप्स हैं उनसे दोनों फंक्शन करते हैं, वर्क करते हैं, तो ये 12 आवर्स में रिजर्वर जो होता है फिल हो जाता है। वन पाइप फिल द रिजर्वर इन 10 आवर फास्टर देन अदर, यानी कि एक पाइप जो है 10 आवर फास्टर क्या है उस रिजर्वर को भर सकता है, यानी कि अगर एक कोई एक्स लेता है तो कोई एक्स प्लस 10 आवर लेगा, या फिर कोई एक्स लेता है तो दूसरा एक्स माइनस 10 आवर लेगा, ऐसे भी कह सकते हैं। हाउ मेनी आवर्स विल द सेकेंड पाइप टेक टू फिल द रिजर्वर, सेकेंड पाइप जो होगा है ना, वह कितना टाइम लेगा उस रिजर्वर को फिल करने में, हमें बताना है। तो यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ क्या कह रहा है कि वन पाइप इज फिल्ड रिजर्वर इन 10 आवर फास्टर देन द अदर, यानी कि सेकेंड वाले से ये 10 आवर फास्टर हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट द सेकेंड पाइप टेक एक्स आवर्स टू फील द रिजर्वर, ठीक है, ठीक है, इसी में लिख देते हैं। एंड फर्स्ट पाइप है ना, फर्स्ट पाइप टेक कितना, क्या कह रहा है कि वन पाइप इज ऑफ द रिजर्व इज 10 आवर फास्टर देन, यानी कि ये एक्स माइनस टेन आवर्स टू फील द रिजर्वर, ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, एक्स आवर इसको लग रहा है, इसको एक्स माइनस टेन आवर, तो वन आवर में कितना वर्क होगा, वन बाई एक्स माइनस टेन, और यहाँ वन बाई एक्स, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वन बाई ट्वेल्व, टोटल आपका 12 आवर लग रहा है। तो दोनों अगर एक साथ भरते हैं तो दोनों एक साथ भरते हैं वन डे में, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम तो है, सेम इक्वेशन भी यहाँ पे आया है, यहाँ पे हमें सेम इक्वेशन भी मिला है, सेम उसी तरह से हम लोग एक्स इंटू में एक्स माइनस टेन ले लेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स और प्लस एक्स माइनस टेन बाई में वन बाई ट्वेल्व, सेम पिछले तरह का क्वेश्चन ही है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x-10 और बाई में एक्स स्क्वायर माइनस का 10x इक्वल टू में वन बाई में ट्वेल्व। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x इक्वल टू में 12 इंटू में 2x-10, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का इक्वल टू में है देखो 24 और एक्स माइनस का 120, इन दोनों को इधर लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 24 एक्स माइनस का प्लस हो जाएगा 120 इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस का 34x प्लस का 120 इक्वल टू जीरो, फैक्टर कर देंगे, अभी देखे थे पिछले क्वेश्चन में, चलिए देखिए क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस का आपका 30x और माइनस का 4x प्लस का 120 इक्वल टू में जीरो, यहाँ x कॉमन करेंगे तो x माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस 4 कॉमन करेंगे x माइनस 30 हो जाएगा, x माइनस 30 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे x और यहाँ माइनस 4 इक्वल टू में जीरो, अलग अलग कर दो x माइनस 30 इक्वल टू जीरो और x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, x का वैल्यू यहाँ से 30 आ जाएगा और यहाँ x का वैल्यू 4 आ जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं इफ x इक्वल टू 4 then time taken by first pipe will becomes negative, देयरफॉर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू क्या लेंगे, 30 लेंगे, क्योंकि निगेटिव तो नहीं ना हो सकता है, टाइम निगेटिव होगा नहीं, तो लिख देंगे कि hence द टाइम टेकन बाई फॉर सेकेंड वाला ना सेकेंड पाइप टू फील द रिजर्वर
क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 30 आवर्स, 30 आवर्स लगेगा। समझ गए? तो ये क्वेश्चन